वेलकम टू ए बी सी कैंपस आज हम अकाउंटिंग के सब्जेक्ट में अप्रूवल्स एंड प्री पेमेंट के टॉपिक में ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन एंड थर्टी वन टू फोर्टी को कवर कर रहे हैं क्वेश्चन थर्टी वन ये है कि ऑन थर्टी फर्स्ट अक्टूबर टू थाउजेंड नाइन बिजनेस पेज एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम यानी ट्वेल्व मंथ्स के लिए जो अमाउंट है वो सिक्स हंड्रेड थाउजेंड पे की है वट इज द प्री पेमेंट एट द एंड ऑफ द ईयर थर्टी फर्स्ट दिसंबर टू थाउजेंड नाइनटीन तो देखें थर्टी फर्स्ट अक्टूबर के बाद ईयर एंड तक टू मंथ्स का टाइम बनता है टेल्व में से टू मंथ्स गुजर गए तो बाकी बच गए टेन मंथ्स तो सिक्स हंड्रेड थाउजेंड की टेन बाय ट्वेल्व अमाउंट जो बनती है टेन मंथ्स की जो अमाउंट बनती है जनवरी टू अक्टूबर नेक्स्ट ईयर की वो बनेगी फाइव हंड्रेड थाउजेंड तो इस अमाउंट की प्री पेमेंट हमें अकाउंट्स में शो करनी होगी क्वेश्चन थर्टी टू है कि एक्स वाई सी लिमिटेड रिसीव इंटरेस्ट ऑफ रुपीज वन हंड्रेड थाउजेंड ऑन बैंक डिपॉजिट फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर टू थाउजेंड इलेवन ऑन थर्ड जनवरी तो रिलेट दिसंबर से करता है लेकिन नेक्स्ट मंथ की थर्ड डेट को मिला है थर्ड जनवरी 2012 को एक्स वाई जी लिमिटेड एन अकाउंटिंग ईयर एंड ऑफ थर्टी तो वट वुड बी द अकाउंटिंग एंट्री फॉर सच ट्रांजेक्शन देखें इंटरेस्ट रिसीव जो हो रहा है ये इनकम है और एक इनकम जो पीरियड एंड के बाद आपको मिलेगी वो इनकम है यानी इनकम रिसीवेबल है उसकी एंट्री हमारी होती है कि एक्रूड इनकम एज एन एसेट डेबिट और इनकम अकाउंट क्रेडिट तो ये हमारे पास ऑप्शन डी बनेगा इसमें आ, कैश की एंट्री इसलिए नहीं होगी क्योंकि कैश की जो रसीट है वो तो ईयर एंड के बाद हो रही है और ये प्री पेमेंट वाली एंट्री नहीं है ये एक्रूड इनकम वाली एंट्री है तो एक्सपेंस होता तो हम जो है ना वो प्री पेमेंट की तरफ जाते इनकम के अंदर जो इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है उसमें तो प्री पेमेंट का वैसे सवाल पेमेंट का यानी सवाल पैदा नहीं होता क्वेश्चन थर्टी थ्री देखेंगे XYZ Limited received interest of rupees one hundred thousand on bank deposit for the month of December on third January. XYZ Limited has an accounting year end of thirty first December. What would be the accounting entry when subsequently on third January payment for interest is received? तो जब बाद में हमें पैसे मिल जाएंगे तो हम कैश मिलने पर एसेट इंक्रीज होगा तो उसको डेबिट कर देंगे और जो हमने इंटरेस्ट रिसीवेबल पहले रिकॉर्ड किया हुआ होगा उस इंटरेस्ट रिसीवेबल वाला जो एसेट है वो डिक्रीज हो जाएगा और वो क्रेडिट हो जाएगा तो हमारी अकॉर्डिंगली जो करेक्ट एंट्री बनती है दैट इज ऑप्शन बी ऑप्शन सी में प्रीपेड वाला मिस्टेक है क्योंकि ये जो इनकम होती है उसका प्री पेमेंट नहीं होती और इसमें जो हमारे पास ऑप्शन डी है इसमें कैश मेंशन नहीं है और ऑप्शन ए में भी कैश मेंशन नहीं है तो ऑप्शन बी ही सही आंसर बनेगा क्वेश्चन थर्टी फोर है कि एबीसी लिमिटेड रिसीव्ड रिसीव एडवांस रेंट फॉर फ्रॉम इट स्टैंड ऑफ रुपीज़ वन मिलियन ऑन थर्टी फर्स्ट दिसंबर इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑफिस रेंट फॉर द फॉलोइंग ईयर अगले साल का रेंट हमने करंट ईयर में ही ले लिया यानी एडवांस में रिसीव कर लिया है ए बी सी लिमिटेड हैज़ एन अकाउंटिंग ईयर एंड ऑफ थर्टी फर्स्ट दिसंबर वट अकाउंटिंग एंट्री इज टू भी पासड इन दिस ईयर तो जब आप किसी से पैसे ले, ले लेते हैं ऑब्वियसली कैश तो डेबिट होगा लेकिन क्रेडिट क्या होना चाहिए इसमें रेंट इनकम को क्रेडिट करना अप्रोप्रिएट नहीं होगा अन रेंट को यानी एज अ लाइबिलिटी क्रेडिट करना अप्रोप्रिएट uh, होगा क्योंकि हमने पैसे एडवांस में लिए हुए हैं तो हमारी जो एंट्री होगी वो कैश इंक्रीज होने की वजह से एसेट डेबिट हो जाएगा और अनरेंट अन रेंट की जो लाइबिलिटी है वो रिकॉर्ड करेंगे तो वो क्रेडिट हो जाएगी इसको अन रेंट भी कह सकते हैं एडवांस रेंट भी कह सकते हैं अच्छा एक्रूड रेंट जो है वो अप्रोप्रिएट नहीं होगा क्योंकि उसका मतलब तो इंटरेस्ट रिसीवेबल होता है और डायरेक्ट इनकम अभी नहीं बना सकते क्योंकि अभी एडवांस लिया हुआ है तो ऑप्शन ए को सिलेक्ट करेंगे क्वेश्चन थर्टी फाइव है कि एबीसी लिमिटेड रिसीव एडवांस रेंट फ्रॉम इट स्टैंडर्ड ऑफ वन मिलियन ऑन थर्टी फर्स्ट दिसंबर फॉर द फॉलोइंग ईयर व्हाट वुड बी द अकाउंटिंग एंट्री इन द फॉलोइंग ईयर अगले साल में एंट्री क्या होगी अब ऑलरेडी आप पहले तो एडवांस को अन रिकॉर्ड कर चुके होते हैं तो अब अब क्या करेंगे कि उस अन रेंट को ख़त्म कर देंगे क्योंकि वो एडवांस अब यूज़ हो गया तो वो लाइबिलिटी ख़त्म हो जाएगी लाइबिलिटी डिक्रीज होने से डेबिट हो जाएगी और अब क्योंकि वो टाइम आ गया जिसमें आपने रेंट अर्न करना था तो आप रेंट अर्न कर चुके हैं तो आप रेंट की इनकम क्रेडिट के तौर पे रिकॉर्ड कर लेंगे देयर ऑप्शन बी करेक्ट होगा क्वेश्चन 36 है कि एफ लिमिटेड ईयर एंड इज 30 सितंबर

जो है ये टाइम बनता है नाइन मंथ्स का तो ये नाइन मंथ्स का जो टाइम बनता है इसकी का हमें एक्सपेंस रिकॉर्ड करना चाहिए तो वन हंड्रेड थाउजेंड का लोन है ट्वेल्व परसेंट का रेट है नाइन मंथ्स के टाइम का नाइन थाउजेंड इंटरेस्ट बनता है तो हमारा ऑप्शन बी भी ठीक हो सकता है और सी भी तो इट्स मीन कि हमें पेएबल की अमाउंट भी देखनी चाहिए अब आप हर क्वार्टर में पेमेंट कर रहे हैं जो जनवरी से मार्च तक के पैसे आए वो आपने अप्रैल में पे कर दिए होंगे जो फिर उसके बाद पैसे अप्रैल मई जून के बने वो आपने जुलाई में पे कर दिए होंगे फिर जुलाई अगस्त और सेप्टेंबर के जो पैसे हैं वो तो अक्टूबर में पे होंगे और उससे पहले ही हमारा ईयर एंड हो गया है। तो जुलाई अगस्त और सेप्टेंबर तीन महीने के पैसे अभी हमने पे नहीं किए होंगे तो तीन महीने की अमाउंट जो है वो अप्रूवल के हिसाब से बनती है थ्री थाउजेंड तो थ्री थाउजेंड का अप्रूवल होना चाहिए दियर फॉर ऑप्शन बी करेक्ट होगा क्योंकि इसमें दोनों बातें सही बताई हुई हैं क्वेश्चन है कि ऑन द फर्स्ट डे ऑफ मंथ अ बिजनेस एट प्री पेड इंश्योरेंस ऑफ टेन थाउजेंड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ मंथ एट इट पेड इन फुल द एनुअल फुलश्योरेंस इन द फॉलोइंग ईयर यानी फर्स्ट डे ऑफ मंथ एट से नेक्स्ट वन ईयर तक के लिए उन्होंने पेमेंट कर दी थर्टी सिक्स थाउजेंड की अमाउंट चार्ज इन प्रॉफिट और लॉस एंड अमाउंट शोन इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन वो कितनी होगी अब एडवांस पेमेंट कर रहे हैं ऑब्वियसली प्री पेमेंट की अमाउंट होगी जो शो होगी बताई हुई भी, भी है तो टी अकाउंट बना लेते हैं इंश्योरेंस का सबसे पहले तो हमें ओपनिंग बैलेंस बताया हुआ है टेन थाउजेंड का कि ये प्रीपेड था ये रिकॉर्ड कर लेंगे फिर ये बताया हुआ है कि कैश पे किया थर्टी सिक्स थाउजेंड का अब अगली बात ये है कि इसमें से फर्स्ट डे ऑफ मंथ एट यानी एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व पांच महीने तो इस साल में हो जाएंगे और सात महीने अगले साल के होंगे जिसकी आपने पेमेंट की हुई है तो सेवन मंथ्स की अमाउंट जो है वो हमारी प्रीपेड होगी क्लोजिंग के टाइम पे ट्वेल्व से डिवाइड किया वन मंथ का अमाउंट आई सेवन से मल्टीप्लाई किया तो सेवन मंथ्स की जो प्रीपेड अमाउंट है ट्वेंटी वन थाउजेंड वो रिकॉर्ड हो गई अब हम टोटल कर लेते हैं दूसरी साइड पर सेम टोटल मैंशन करेंगे एज अ बैलेंसिंग फिगर वो अमाउंट जो हमें प्रॉफिट और लॉस में एक्सपेंस बनानी चाहिए वो पता चलेगी ट्वेंटी फाइव थाउजेंड जो है वो हमारी प्रॉफिट और लॉस की अमाउंट है और ट्वेंटी वन थाउजेंड हमारी प्री पेमेंट की अमाउंट है तो ऑप्शन सी को हम सेलेक्ट करेंगे क्वेश्चन थर्टी एट है कि एन एंटिटीज ड्राफ्ट अकाउंट फॉर द ईयर टू थर्टी फर्स्ट अक्टूबर टू थाउजेंड फिफ्टीन रिपोर्ट लॉस ऑफ वन फोर एट सिक्स द असिस्टेंट अकाउंटेंट प्रिपेयर द अकाउंट नॉट इंक्लूड एन अक्रूवल ऑफ सिक्स एंड प्री पेमेंट ऑफ एट वट इज प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर फॉलोइंग द इंक्लूजन ऑफ एप्रूवल एंड प्री पेमेंट अच्छा पहले यह लॉस आ रहा है तो जब इस अक्रूवल और प्री पेमेंट को शामिल कर देंगे तो फिर पोजिशन क्या होगी तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास ऑलरेडी जो लॉस है वो वन फोर एट सिक्स का है नेगेटिव में यानी एक रिकॉर्ड करेंगे हम सिक्सटीन ट्वेंटी फाइव का तो इस एक्सपेंस को रिकॉर्ड करने की वजह से मजीद लॉस बढ़ जाएगा क्योंकि एक्सपेंस से प्रॉफिट कम होता है लॉस बढ़ जाता है तो 1625 ट्वेंटी मजीद नेगेटिव हो जाएंगे हाँ प्री पेमेंट की वजह से एक्सपेंस कम होता है 834 का एक्सपेंस कम होगा तो ये प्रॉफिट बढ़ेगा या लॉस एटलीस्ट रिड्यूस हो जाएगा तो नेट इफेक्ट जो है वो लॉस ही रह जाएगा आफ्टर एडजस्टमेंट्स भी अगर हम टोटल कर लेते हैं तो और वो होगा डबल टू डबल सेवन का तो यहाँ पर जो हम आंसर देख रहे हैं वो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर बनता है क्वेश्चन थर्टी नाइन है कि द ड्राफ्ट ईयर एंड अकाउंट्स फॉर प्रिपेयर विदाउट एडजस्टिंग प्री पेमेंट ऑफ फॉर रेंट ऑफ नाइन सेवेंटी वेन द एडजस्टमेंट इज मेड बट ऑफ द फॉलोइंग वुड बी इफेक्ट देयर ऑफ अच्छा अब पहला है कि प्रॉफिट कैसे इंक्रीज डिक्रीज होगा और दूसरा है कि लाइब्रिटी पर क्या फर्क पड़ेगा प्रीपेड uh, एक्सपेंस की जो एंट्री होती है उसमें हम डेबिट प्रीपेड एक्सपेंस को करते हैं तो वो एक एसेट इंक्रीज हो जाता है और जो रेलिवेंट एक्सपेंस होता है जैसे सैलरी एक्सपेंस है या जैसे रेंट एक्सपेंस है तो उसको हम क्रेडिट करेंगे तो एक्सपेंस क्रेडिट होने से कम हो जाता है एक्सपेंस कम होता है तो प्रॉफिट बढ़ जाता है तो 970 की अमाउंट है तो एक बात तो ये क्लियर है कि प्रॉफिट 970 से बढ़ेगा लेकिन ये तो तीन ऑप्शन में मेंशन है दूसरी बात ये है कि एसेट्स भी बढ़ेंगे 970 से तो एसेट्स इंक्रीज्ड बाय 970 ये करेक्ट है इसमें लाइबिलिटी मेंशन है इसमें एसेट का डिक्रीज मेंशन है तो ऑप्शन सी सिलेक्ट कर लेते हैं क्वेश्चन फोर्टी है कि एन एंटिटी प्रिपेयर द ड्राफ्ट ईयर एंड ईयर अकाउंट्स बट डिड नॉट एडजस्ट दीज फॉर प्री पेमेंट ऑफ फिफ्टीन हंड्रेड एंड एन अक्रूवल ऑफ फोर हंड्रेड हाउ विल प्रॉफिट एंड नेट एसेट बी अफेक्टेड बाई इंक्लूडिंग द प्री पेमेंट ऑफ एंड एक्रूवल तो जो भी हम प्री पेमेंट रिकॉर्ड करेंगे जब फिफ्टीन हंड्रेड की तो प्री पेमेंट से एक्सपेंस कम हो जाएगा एसेट्स जो हैं वो बढ़ जाएंगे क्योंकि प्रीपेड एसेट होता है तो नेट एसेट्स में भी इजाफा होगा फिफ्टीन हंड्रेड से फिर हम जब अप्रूवल ऑफ एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे तो उसमें एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा और पेबल जब रिकॉर्ड होगा तो लाइबिलिटी भी इंक्रीज़ होगी लेकिन लाइबिलिटी के इंक्रीज होने से नेट एसेट्स कम हो जाएंगे क्योंकि नेट एसेट्स में से लाइबिलिटीज नेगेटिव आइटम है और एसेट्स प्लस आइटम है तो 1500 से प्लस होंगे 400 से माइनस होंगे जो नेट इफेक्ट है प्रॉफिट पर भी और नेट एसेट्स पर भी वो 1100 का बनता है तो ये हमें ऑप्शन सी में नज़र आ रहा है Uh, के दोनों चीज़ें इंक्रीज होंगी जितने से प्रॉफिट बढ़ेगा उतने से ही नेट एसेट्स भी बढ़ रहे होंगे तो 1100 की वो अमाउंट होगी सो दैट इज़ ऑप्शन सी एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे हैव अ गुड डे